अभी क्या है कि ऑपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारा। तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे, जो हम कहना चाहते हैं वो सार्वजनिक करें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते हैं, एक आध महिला जब बोलती है दिखा देते। ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाते, आवाज उनकी सुनाई देती है। ये तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या, हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे। सो व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस आई वांट टू नो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं कि आज हम आप लोगों को देख लेंगे कि सहन शक्ति कितनी है, 11 बजे तक हाउस चलाएंगे। ये आज तक कभी हुआ है? इस तरह की भाषा कभी किसी ने प्रयोग किया नहीं किया? मुझे तो 18 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हम बोलते जा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं, और ऊपर से कह दिया जाता है आप लोग हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम अपनी जगह में खड़े तो चल भी नहीं सकती, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारा नाम भी ले रहे हैं। हमारा भी नाम लिया नहीं, वही तो हम दोनों का नाम लिया। हम अपनी जगह में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, ये हमारा राइट, इट इज आवर राइट टू स्पीक, इट्स आवर राइट टू ऑल्सो से व्हाट वी वॉन्ट टू से, एंड इन सॉलिडेरिटी विथ ऑल आर MPs हु वर डिसमिस्ड यस्टरडे, एंड विद दिस अनफेयर जजमेंट ऑफ नॉट डिसमिसिंग द मेंबर्स हु वर इन द वेल टूडे, वी वॉक्ड आउट ऑफ। अभी क्या है कि ऑपोजिशन में राज्यसभा में हम सिर्फ 3 महिलाएं रह गई हैं। गला सूख गया, चिल्ला रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा हमारा। तो हमने सोचा कि शायद इस बार मीडिया हमारी मदद करे, जो हम कहना चाहते हैं वो सार्वजनिक करें। हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। मुझे ये समझ में नहीं आता है कि सांसद टीवी है, उसमें हमारे चेयरमैन को दिखाते हैं, और अगर बीजेपी से कोई मंत्री बोल रहा हो तो उन्हें दिखा देते, एक आध महिला जब बोलती है दिखा देते। ऑपोजिशन चाहे मर जाए, कुछ भी हो जाए, उनको नहीं दिखाती, आवाज उनकी सुनाई देती है। ये तो दिस इज नॉट डेमोक्रेसी, दिस इज अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप कुर्सी में बैठ के अपनी पीड़ा का व्यक्त करते, अरे हमारी पीड़ा का क्या, हमारे ऑपोजिशन के इतने मेंबर्स को कल आपने बाहर कर दिया, आज जो वेल में गए उनको क्यों नहीं बाहर कर रहे। सो व्हाट इज दिस सिस्टम ऑफ जस्टिस आई वांट टू नो। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर बोलते हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स नहीं, लीडर ऑफ द हाउस बोलते हैं कि आज हम आप लोगों को देख लेंगे कि सहन शक्ति कितनी है, 11 बजे तक हाउस चलाएंगे। ये आज तक कभी हुआ है? इस तरह की भाषा कभी किसी ने प्रयोग किया नहीं किया? मुझे तो 18 साल हो गए, मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हम बोलते जा रहे हैं, कोई सुनता ही नहीं, और ऊपर से कह दिया जाता है आप लोग हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम अपनी जगह में खड़े तो चल भी नहीं सकती, हाउस को डिस्टर्ब कर रहे हैं, हमारा नाम भी ले रहे हैं। हमारा भी नाम लिया नहीं, वही तो हम दोनों का नाम लिया। हम अपनी जगह में खड़े होकर चिल्ला रहे थे, ये हमारा राइट, इट इज आवर राइट टू स्पीक, इट्स आवर राइट टू ऑल्सो से व्हाट वी वॉन्ट टू से, and in solidarity with all our MPs who were dismissed yesterday, and with this unfair judgment of not dismissing the members who were in the well today, we walked out of office.